हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना नया स्टाफ किस तरीके से प्रोन्नति ऐप में ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले स्टाफ मैनेजमेंट पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते से ही आपके सामने एक स्क्रीन आपको दिखती है, जिसमें बॉटम में आपको मैनेज स्टाफ का एक ऑप्शन दिखता है। इस पर क्लिक करते से ही एक नया स्क्रीन ओपन होता है, जिसमें एडमिन आपको मेंशन देख सकते हैं। आपको स्क्रीन पे एडमिन दिखा रहा है। उसके साथ ही साथ में आपको एक ऐड करके बटन टॉप राइट कॉर्नर में दिखता है, जिसे आप क्लिक करते से ही एक नई स्क्रीन ओपन होती है, जहाँ पे आप स्टाफ को ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स फिल डिटेल्स वन बाय वन। नेम मैं एक बार को इसमें डालता हूँ, मोबाइल नंबर मैं इसमें डाल सकता हूँ। यहाँ पे दो रोल हैं, एग्जीक्यूटिव या फिर मैनेजर। एडमिन हर एक शॉप पे एक मैनेजर अपॉइंट कर सकता है, और मैनेजर के नीचे कई सारे एग्जीक्यूटिव्स हैं। तो एक बार को इस अकाउंट पे इस स्टाफ को हम मैनेजर के नाम से भरते हैं। जो भी सैलरी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वेज रेट भी आप डाल सकते हैं कि अगर कोई स्टाफ ओवर टाइम करता है तो उसे किस तरीके से आर्ली पेमेंट आप करते हैं। अगर आप स्टाफ को लीव्स ऐसी प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप उनका पैसा नहीं काटते, तो आप वो भी डाल सकते हैं कि पर मंथ आप उन्हें इस तरीके की कितनी लीव्स देते हैं। और रिपोर्टिंग टाइम आप एक्टिव कर सकते हैं अगर आपका कुछ स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया हो टाइम को लेकर। या डिटेल्स भरने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते से ही आप देख रहे हैं कि एक मैनेजर का एंट्री आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एडिट या फिर इनवाइट। एडिट पे क्लिक करते से ही अगर लेट से आपका कुछ एंट्री में चेंजेस करने हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। और एक नया ऑप्शन आपको एक्टिव दिख रहा है नीचे, जिसका नाम स्टाफ स्टेटस है, और उसके आगे इज एक्टिव लिखा रहता है। इन केस अगर स्टाफ आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ता है तो आप इसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं।